नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे होता है। एक्सप्रेसवे क्या होता है और हाईवे से इसका क्या डिफरेंस होता है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ उसको क्लिक कर सकते हैं। बाकी अन्य वीडियो के लिए भी आप क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। जी हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे रहेगा, साथ ही भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में भी इसका नाम रहेगा। मतलब दिल्ली मुंबई और साथ ही नागपुर मुंबई पर तो काम चल ही रहा है। तो चलिए इस वीडियो पर हम मैप से समझते हैं। मैप में जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज तक जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा, मतलब वहाँ पर जो क्रॉसिंग होगी उसको इंटरचेंज से जोड़ा जाएगा। मतलब कि मेरठ से आकर आप उस इंटरचेंज से उतर के लखनऊ भी जा सकते हैं और आगरा भी जा सकते हैं। उसी तरीके से जैसा आप मैप पर देख पा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो हल्दिया से स्टार्ट होकर लखनऊ तक जा रहा है और साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो चित्रकूट से स्टार्ट होकर इटावा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ज्वाइन हो रहा है। मतलब एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि सारे एक्सप्रेसवे को एक साथ कनेक्ट करने की योजना है। कई एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस पे 50% तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से सारे एक्सप्रेसवे को एक तरह से कनेक्टिविटी दी जा रही है। अगर आगरा से किसी को इलाहाबाद जाना है तो वो प्रॉपरली पूरा एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हुए जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे बिल्कुल नए रोड पर बन रहा है। चलिए इसी वीडियो पर हम देखते हैं कि बीच बीच में कौन कौन सी जगह पड़ेगी इस गंगा एक्सप्रेसवे में। गंगा एक्सप्रेसवे जो 600 किलोमीटर के आसपास का है वो मेरठ से स्टार्ट होगा। मेरठ से उसके बाद ये मेरठ हो गया, आमरोह हो गया, बुलंदशहर हो गया, बदायूं हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, फरुखाबाद हो गया, हरदोई हो गया, कन्नौज हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और उसके बाद प्रयागराज। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेसवे को 12 सेपरेट पैकेज में डिवाइड किया गया है। इस तरीके से सोचिए, ये एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद बात ही कुछ और होगी। एक बहुत स्मूथ एक्सेस कंट्रोल रोड आपको यूपी में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी अभी यूपी में सबसे अधिक लंबाई का एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से रियली यूपी को बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी। आई थिंक दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।